सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, आज जो है मैं एक अपना सेफ्टी मेजरमेंट के लिए जो है कोई चीज़ बना रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ बना रहा हूँ वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये चीज़ क्या है, ये चाइनीज़ मंजा से आपको बचाएगा फ्रेंड्स। ये आप अपने बाइक के हैंडल के आगे इसको लगाओगे तो चाइनीज़ मंजा आकर के इससे टकराएगा, तो फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर मंजा आया है। तो फ्रेंड्स, आप अपना बाइक साइड में रोक करके चाइनीज़ मंजे को तोड़ करके फेंक देना, जो भी कुछ करना है आपको, लेकिन एक मौका मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये सरिया है फ्रेंड्स, ये सरिया है, ये टूटेगा नहीं, ये चाइनीज मंझे का बाप है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप बाइक चलाएंगे और आपका खास करके आजकल दिल्ली में, अभी आपने देखा ही 2-3 दिन पहले 2-3 एक्सीडेंट लगातार हो गया जिसमें से एक डेथ भी हो गई फिर से चाइनीज मंझे से। तो फ्रेंड्स, मेरी तो बार बार कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से जो इस मांझे को हिंदुस्तान से भगाया जाए, खदेड़ा जाए, लेकिन मेरी कोशिश सारी बेकार हो जा रही है। लेकिन क्या है कि अब हम अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए इस तरह की चीज़ बना रहे हैं और चीज़ बना करके जो है मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी लोग इसको जो यूज़ भी करेंगे मैं जानता हूँ, और कुछ लोगों ने अपने बाइक्स में लगाया भी और ये कामयाब है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इस तरह का एक मारुति कह रहा हूँ सेंट्रो कार का जो है एंटीना लेना है मार्केट से, और उसका जो तार होगा इस तरह से इसका तार लगा रहता है इस एंटीना के साथ, इस तरह से तार कनेक्टेड रहता है और ये जो है रेडियो में लगता है भीतर गाड़ी के अंदर। तो इस तार को आपने निकाल के फेंक देना है। ये 100 रुपीज़ का आएगा, सिर्फ 100 रुपये का आएगा, लेकिन ये सरिया का बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत मजबूत है। और फिर क्या करना है, उसके बाद आपने इस तरह का एक पाइप लेना है, और ये जो है पाइप आपका 6 सूत का पाइप है, 6 mm का पाइप है जो मैंने लिया, और 8 इंच ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच है, और इसके नीचे मैंने एक नट वेल्ड करा दिया, जैसे ये बोल्ट होता है, ये बोल्ट है और इसका जो नट है इसमें वेल्ड करा दिया। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसके जो हम नट वाले हिस्से को यहाँ से, बोल्ट वाले हिस्से को यहाँ से लेंगे और ले करके जो है ये एक पत्ती है, लोहे की पत्ती ले सकते हो, एल्युमिनियम की पत्ती। तो फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा जो है मेरे रखा है और ये बीच में एक सेंटर में सुराख दिया है, तो इस जो सेंटर में सुराख है इसमें से अपने पत्ती को ऐसे निकालना है, और जो आप मार्केट से ये यहाँ पे वेल्ड करवा के लाएंगे पत्ती को, सॉरी नट को, तो ये इसके साथ ऐसे करके आप कस देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कस रहा हूँ, और पूरा जब कस जाएगा तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आपके बाइक में लगेगा, और किस तरह से लगेगा मैं अभी आपको बाइक में लगा करके दिखाऊंगा। और ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए मैंने इसको पूरा इसको चढ़ा दिया इसके ऊपर, ये देखिए ये चढ़ गया। तो फ्रेंड्स, अब क्या है कि इसको आपको इसके अंदर डाल देना है, ये इसके अंदर चला गया, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको एम सील, ये एम सील है, इसको एम सील से बंद कर देना है फ्रेंड्स। ये मेरे हाथ में एम सील है, ये पूरा एम सील से बंद हो जाएगा। जब ये एम सील से पूरा बंद कर देंगे आप, और ये मैं सारा जो है अभी आपको, और ये देखिए आपका मिरर का जो जगह है, और ये जो दो सुराख दिख रहा है आपका, ये मिरर के जगह से ये ऐसे निकलेगा और निकल करके जो है आपके गाड़ी में, बाइक में टाइट हो जाएगा। ये देखिए अब रहेगा ये आपके बीच में, ये देखिए दोनों साइड में मिरर लग जाएगा, और मिरर अपनी ओरिजिनल जगह ही लगेगा जहाँ पे हर बाइक का अलग अलग हैंडल का हिसाब रहता है। तो हर बाइक का जो अलग अलग हैंडल का हिसाब रहने की वजह से क्या होता है, हर बाइक के लिए पत्ती उसी हिसाब से उसी साइज़ से काटना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको मैकेनिक से मिलना पड़ेगा। और मेरा आप जब ये वीडियो दिखाएंगे तो मैकेनिक समझ जाएगा कि क्या चीज़ बन रहा है, वो आपको बना करके दे देगा। ये ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा, 200-250 रुपये का बनेगा, इससे ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बाइक में जो मिरर है वो तो ऑलरेडी लगा ही हुआ होगा और उसी जगह पर ही ये लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से रहेगा, जैसे ही चाइनीज़ मंजा फ्रेंड्स यहाँ पर आकर के अड़ेगा तो ये आपके गर्दन तक नहीं पहुँच पाएगा, ये बीच में ही रुक जाएगा, तो आपको एक बचने का मौका मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं एम सील लगा करके और इसको बाइक में फिटिंग करके आपको पूरा दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये टेबल पे एम सील रखा हुआ है और अभी इसके अंदर एम सील लगाएंगे हम। इसके अभी मैं मिरर निकाल देता हूँ इसमें से, ये देखिए मिरर निकाल देता हूँ, और सबसे पहले जो है हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद ये मेरे हाथ में एम सील है, और ये आप देख सकते हैं ये एम सील कहते हैं इसको, और ये सस्ता होता है, ये इतना बड़ा पैकेट 20 रुपये का आया है, लेकिन इतना भी लगेगा नहीं, इसका आधा ही लगेगा। तो 10 रुपये का छोटा पैकेट भी मिलता है वो लग जाएगा, तो इसमें ये दोनों को मिक्स करके जो है इसके अंदर लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, अब जो ये पाइप हॉलो है इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये पाइप हॉलो है और इसके चारों तरफ मैं जो है ये एम सील लगा दूंगा, और एम सील लगाने के से क्या होगा, ये पूरा एकदम टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, इधर उधर कुछ भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अभी इसको मैं लगा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने पैकेट फाड़ लिया, ये एम सील का पैकेट है, और इसमें से मैंने ये निकाला एम सील, और ये एम सील को
दो में मिलाना पड़ता है। ये देखिए थोड़ा सा वो वाला हिस्सा लेना पड़ता है, थोड़ा सा ये हिस्सा लेना पड़ता है। ज़्यादातर प्लम्बर लोग इसको काम में लेते हैं जब पानी की टंकी वगैरह लीक करता है तो उसमें लगता है तो फ्रेंड्स, लेकिन ये इसमें भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा जो ये चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको देखिए इस तरह से जो है आपको मिक्स करना पड़ता है, जैसे आटा गूंथते हैं ये उसी तरह से मैंने गूंथ लिया और जो है अब ये तैयार हो गया है, बिल्कुल एकदम रेडी है। और इसको मैं लगा दूंगा, लगाने के जो है ये मुश्किल से मुश्किल 20-25 मिनट बाद ही जो है एकदम टाइट, फुल टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर लगा देते हैं। ये देखिए ये मैंने ये इसको लिया और इसके अंदर लगा दिया इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा और चारों तरफ से ये टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये इतना पक्का होता है कि इसको अगर कभी तोड़ना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये हथौड़ी के अलावा टूटेगा ही नहीं। तो चलिए अब ये मेरा ये लग चुका है, अब इसको हम जो है तो इसको नीचे बाइक में ले जा करके लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको जस्ट बाइक में लगाना है। तो फ्रेंड्स इसका फ़ायदा कौन कौन लोग उठा सकते हैं मैं आपको बता दूं, इसका फ़ायदा वो लोग ज़्यादा उठाएंगे जो लोग रेगुलर ऑफिस जाते हैं और फ्लाईओवर्स के ऊपर से जाते हैं और जहाँ पे पतंग बहुत ज़्यादा उड़ता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में पतंग बहुत ज़्यादा उड़ता है, पूरे दिल्ली 6 के अंदर पतंग ही पतंग उड़ता है और ओखला साइड में भी बहुत पतंग उड़ता है। फ्रेंड्स इवन हमारे इस साइड में भी बहुत पतंग उड़ता है, इसके अलावा जो है द्वारका साइड में भी बहुत पतंग उड़ता है। तो दिल्ली में कुछ पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे तो बेसुमार पतंग उड़ता है, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और जिसमें से जो है ओल्ड दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा पतंग उड़ता है। तो इसी तरह से आपके शहर पे, आप पूरे हिंदुस्तान पे कहीं पे भी रहते हैं तो आपके शहर में हर शहर के अंदर किसी न किसी त्यौहार के अंदर पतंग उड़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स और जो है जिन दिनों त्यौहार रहता है उसके आसपास बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, जैसे दिल्ली में भी 15 अगस्त आने वाला है, बस 15 दिन की और बात है। तो फ्रेंड्स 15 अगस्त से ठीक पहले आप इस तरह का, जैसे मैं इसको 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक लगा के रखूँगा अपने बाइक में, इसी तरह से आप लोग भी फ्रेंड्स अपने बाइक में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करिए। चाहे मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ कर दूँगा और आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, उसको बहुत अच्छा बनाया था हमने, लेकिन उसमें जो डबल एंटीना लगा था वो आजकल मिलता नहीं, आजकल जो डुप्लीकेट वाला मिलता है उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो फायदा होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जो है इसके सामने जो है पतंग का मांझा आया है, तो आपको बचने का एक मौका उसमें भी मिलेगा। और ये तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सॉलिड है, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और बाइक जो है आप लोग 15 अगस्त के आसपास बहुत स्लो चलाइए, तेज बाइक्स बिल्कुल भी मत चलाइएगा और कोशिश करिए जो मैंने ये चीज़ बना करके दिखाया इसको ज़रूर लगवाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना सेफ्टी खुद रखिए, क्योंकि बाकी दुकानदार लोग भी नहीं मान रहे हैं और चाइनीज़ मांझा को बेचना बंद नहीं कर रहे हैं, इवन अब तो पांडा मांझा भी बहुत ख़तरनाक आ गया है। फ्रेंड्स 18-18 कॉर्ड का पांडा मांझा आ गया, वो भी बहुत रिस्की है और इसमें बरेली वालों को ध्यान देना चाहिए, बरेली वालों को जो है ज़्यादा मोटा मांझा, मजबूत मांझा नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज़ तो चाइनीज़ मांझा और इंडियन मांझे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, उससे भी लोगों को नुकसान हो रहा है और पांडे मांझे से भी नुकसान होगा। फ्रेंड्स तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा मजबूत मांझा मत बनाइए, 1-2-3 और उसके अलावा 8400 के अलावा और कोई दूसरा मांझा बनाइए ही मत, ताकि जो है लोग सेफ रहें। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये जो है भाई साहब इसको पत्ती को लगा रहे हैं और उधर की भी पत्ती लग जाएगी, ये ठीक मिरर की जगह पे लग रहा है और ये देखिए अब उधर का मिरर जो है इस पत्ती को लगा करके लगा दिया जाएगा। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ये देखिए फ्रेंड्स चाइनीज़ मंझे से बचने का सबसे बेहतरीन जुगाड़ यही है, सारे मोटरसाइकिल स्कूटी वालों को लगाना चाहिए। यहीं पे ही हमारी जो बाइक की सर्विसिंग होती है, तो मैंने कहा कि इन्हीं से ही लगवा लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से टाइट किया जा रहा है और ये पत्ती आपकी जो है बीच में लगी हुई है, यहाँ पे जो है एंटीना लगेगा इस जगह, और ये फुल टाइट हो गया फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, देखिए पूरा एकदम टाइट कर दिया इन्होंने मिरर की जगह पे। अब यहाँ पे जो है वो एंटीना लगेगा, वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स इस जगह को लगाने का क्या जुगाड़ है आप देखिए,
ये एंटीना का जो है, ये एंटीना, ये देखिए एंटीना का जो है यहाँ पे लग रहा है मांझे को रोकने के लिए। हाँ, ये मांझे को रोकने के लिए। और ये देखिए नीचे से चूड़ी लग गया, और ये इसको फुल टाइट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इसको नीचे से टाइट कर दिया गया, और अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि वो फाइनल कैसे किया गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा के पूरा जो है ये मांझे को रोक देगा, और सरिया का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा बाइक बनके तैयार हो गया, और आप मेरे बाइक में देख सकते हैं ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही सुपर मैकेनिज्म है। चाइनीज मंझे को रोकने का एकमात्र जो है बहुत ही अच्छा ये जुगाड़ है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरे मिरर वाले जगह पे ही ये लगा है, कोई एडिशनल जगह नहीं लगा है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा पास आकर के दिखा दे, आप थोड़ा सा पास आकर के दिखा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती, जो पत्ती मैंने अपने घर पे दिखाई थी आपको, और उसके नीचे से ये बोल्ट से ये पाइप टाइट हो गया, और इस पाइप के अंदर से जो ये एंटीना है, और दोनों मिरर वाले ही जगह पे, ओरिजिनल जगह पे ही लगा है। तो इस करके जो है मेरे को कोई एडिशनल जगह नहीं बनाना पड़ा, और ये फ्रेंड्स इतना कारगर है। अगर इसमें आकर के चाइनीज मंझा अगर आकर के रुकेगा तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सरिये का है, ये टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, और चाइनीज मंझे को रोक देगा। तो आपको एक बचने का मौका ज़रूर मिल जाएगा, आपको एक लाइफ ज़रूर मिल जाएगा फ्रेंड्स, और इसको आप लोग ज़रूर लगवाइए। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, सिर्फ 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक लगाइए, क्योंकि उसके बाद दिल्ली में पतंग नहीं उड़ेगा। सिर्फ पतंग जो उड़ता है वो दिल्ली में आपका 15 अगस्त के लिए उड़ता है। तो इस करके जो है आप लोग 15 अगस्त से पहले इसको जितना जल्दी हो सके इसको लगा लीजिए, और ये आपकी जान बचाने में एक बहुत ही जो है कारगर उपाय है, और इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों का, जो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने कॉलेज वगैरह जाते हैं और फ्लाईओवर्स के ऊपर से जाते हैं, वो लोग इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि फ्लाईओवर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। अगर आपको रेगुलर फ्लाईओवर्स के ऊपर से निकलना होता है तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर लगाइए। तो फ्लाईओवर्स वाले इसको जहाँ जहाँ से भी फ्लाईओवर्स के ऊपर से आपकी बाइक निकलती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है चाइनीज मंझा लगने का। तो फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को बंद करूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर सोमेन गोज। बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर मिलते, तब तक के लिए बाय। Thank you.